अब बारी आ चुकी है इंटेल 11th जन के प्रोसेसर के लैपटॉप्स की, और उसी केस में मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं 50,000 के बजट के अंदर में इंटेल 11th जन के जो भी प्रोसेसर के साथ लैपटॉप्स अवेलेबल है आज की डेट में इंडियन मार्केट में, मैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ। और साथ में ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप जो है इंटेल के 10th जनरेशन को अवॉइड कर सकते हो और इस लैपटॉप पे क्यों आपको जाना चाहिए, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड वेलकम टू अनदर टेक्सोनिकल वीडियो। टेक्सोनिकल इज ऑल अबाउट हेल्पिंग यू डिसाइड बेस्ट इन टेक। अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इंटेल ने अभी हाल में ही 11th जन के प्रोसेसर्स वगैरह लॉन्च किए थे, उसकी एक डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो आप जाकर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी बात करते हैं कि मैंने जैसा उस वीडियो में भी कहा था कि दिसंबर तक में आपको बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स देखने को मिलेंगे मार्केट में जो कि 11th जन के प्रोसेसर पे लॉन्च हो रहे होंगे। और ऐसे ही केस में क्या हुआ है कि अभी हर एक ब्रांड ऑलमोस्ट लिनोवो, एसुस, एसर, एचपी और डेल, ये सारे ब्रांड्स से ऑलमोस्ट कई सारे जो है 11th जन के लैपटॉप वगैरह ऐसे लॉन्च कर दिए हैं। हालांकि उसमें से सभी इंडियन मार्केट में तो अभी नहीं है, लेकिन ऐसे ग्लोबली लॉन्च वगैरह हो चुका है और काफ़ी सारी कंट्रीज वगैरह में मिल रहा है। अब वो धीरे धीरे इंडिया में भी आने लगेगा, लेकिन आज की डेट में मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ऐसे कौन से लैपटॉप है जो 50,000 के बजट के अंदर में है 11th जन के प्रोसेसर के साथ, तो उस बात पे हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो पहला लैपटॉप जो है यहाँ पर, अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है कि सिर्फ दो ही लैपटॉप मुझे मिले जो थोड़े वर्थ हैं आपको ऐसे 50,000 के बजट के अंदर। 50,000 से अबव के बजट पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके वो मिल जाएंगे, लेकिन 50,000 से नीचे में अभी यही दो लैपटॉप मुझे अभी मिले हैं। तो पहला लैपटॉप है जो लिस्ट में, वो है एसुस की तरफ से, एसुस का वीवो बुक अल्ट्रा 15 करके, ये 2020 मॉडल है और आपको एग्जैक्ट मॉडल नंबर जो है स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसमें जो है आपको इंटेल का कोर i3 का 11th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको कोई i5 का 10th जनरेशन वाला या फिर i3 का 11th जनरेशन वाला प्रोसेसर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें फिलहाल अभी और बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें लगी हैं। 8GB की रैम लगी, 256GB की NVMe वाली सपोर्टेड हार्ड डिस्क लगी हुई है, यहाँ पे SSD है। और आपको अगर कोई SSD वगैरह के बारे में थोड़ा नॉलेज चाहिए ना, तो आप जाकर ऐसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, मैंने SSDs पे भी एक अच्छा वीडियो बना रखा हुआ है। ये जो NVMe वाली SSD होती काफ़ी फास्ट होती है, ऑलमोस्ट 1 से लेकर 2 GBPS तक की इसमें आपको ट्रांसफर रेट रीड और राइट की मिल जाती है। तो इस लैपटॉप में Asus के पार्टिकुलर मॉडल में इंटेल के 11th जन के प्रोसेसर के साथ में NVMe का SSD भी सपोर्टेड है और साथ में 8GB की रैम आपको देखने को मिलती है। बस एक कमी यहाँ पर यह है कि आपको ऐसे 40,000 से प्लस के बजट में IPS ग्रेड वगैरह का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है इसमें, हालांकि सिर्फ और सिर्फ फुल HD वगैरह का डिस्प्ले लगा हुआ है। 15.6 इंच का ये डिस्प्ले है, ऑलमोस्ट ऐसे 15 इंच वाले कैटेगरी में आ जाता है, और साथ में इसमें 720 का HD वेबकैम वगैरह भी है। तो आपको देख सकते हो बेजललेस डिज़ाइन वगैरह भी यहाँ पर दे रखी है। मल्टी कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं आपको, USB Type-C वगैरह, HDMI पोर्ट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहाँ भी एक इशू ये है कि चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है USB Type-C से। इसमें मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये लगा कि Type-C का जो पोर्ट वगैरह है वो चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इंटेल के 11th जन के प्रोसेसर के साथ में जो भी लैपटॉप आ रहे हैं ना उसमें ऐसे Type-C वगैरह की चार्जिंग वगैरह देखने को मिल जानी चाहिए। फिलहाल अभी इसमें तो वो रिस्ट्रिक्शन है, वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, लेकिन बाकी और भी कनेक्टिविटी ऑप्शंस वगैरह सही है। और इसका प्राइस अगर आप देखो तो इस तरह से है करीब करीब 43,990 रुपीज़, जो कि ठीक ही ठाक सा है। और i3 का 11th जन प्रोसेसर थोड़ा i5 10th जन से बेटर है, वो मैं बताता हूँ अभी आपको क्यों है। फिलहाल अब दूसरे लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं और वो है HP की तरफ से, और मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट इन द करेंट इंडियन मार्केट। आपको ऐसे 50,000 के बजट में कोई भी लैपटॉप खरीदना है ना, तो ये सबसे बेस्ट हो सकता है आपके लिए। इसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इससे अच्छा कोई भी लैपटॉप मुझे नहीं लगता है कि अभी एग्जिस्ट करता है। मैं रीजंस बताता हूँ उसके। ये Asus वाले से इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1,000 रुपये बस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर फीचर्स आप जरा देखो, 11th जन का i3 प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है और सेम टू सेम वही वाला मॉडल है जो कि Asus में लगा हुआ था। साथ में इसमें भी 8GB की रैम है और इसमें क्या है कि आपको 512GB की SSD मिलती है और उसके साथ में विंडोज़ 10 और ऑफिस वगैरह सब कुछ भी यहाँ पर आता है। बहुत ही लाइट वेट है, 1.47 kgs ओनली, वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। और एक और भी सबसे बड़ी हाइलाइटिंग पॉइंट मुझे लगी इस लैपटॉप में पार्टिकुलरली, यहाँ भी जो है NVMe की SSD आपको मिल जाएगी, तो आपको इसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको इसमें मिलता है IPS ग्रेड का पैनल,
और ये इसको सबसे यूनिक बनाता है। कंप्लीट पैकेज जो है ना आपको ऐसे 45,000 में 50,000 के बजट के अंदर में मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई भी लैपटॉप आपको नहीं मिल सकता। इसमें 8GB की रैम भी है, 512GB की NVMe की SSD है, काफ़ी फास्ट है और इंटेल का जो i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर है वो ऑलमोस्ट i5 के 10th जनरेशन के जो है प्रोसेसर के इक्विवेलेंट है, क्योंकि उसमें मल्टी थ्रेडिंग की सपोर्ट ऑलमोस्ट उतनी अच्छी भले ना हो i5 के जैसे, लेकिन सिंगल कोर पे जो परफॉर्मेंस है ना वो ऑलमोस्ट i5 10th जनरेशन को बीट करता है 11th जनरेशन में। तो एक तरह से आप ये मान के चलो कि आपका जो i3 11th जनरेशन है वो ऑलमोस्ट i5 10th जनरेशन का ही प्रोसेसर है। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप आज की डेट में अगर 50,000 के अंदर में कोई भी लैपटॉप ऐसे खरीदना चाहते हो ना तो एक बार एक सीरियस लुक इसको ज़रूर देना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको अच्छा जो है प्रोसेसर वगैरह देखने को मिल जाता है। फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप इंटेंस यूज़र हो ना तो ऐसे आप 11th जनरेशन के प्रोसेसर पे i3 पे जाओ, उसके लिए बेटर रहेगा कि आप i5 11th जनरेशन के देखो प्रोसेसर, लेकिन अभी उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है ना ऐसे मुझे कोई भी लैपटॉप 50,000 के बजट के अंदर में नहीं मिले जो कि ऐसे i5 11th जनरेशन के हो। ऑलमोस्ट i5 11th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में जो भी लैपटॉप है ना वो 60,000+ हैं ऑलमोस्ट, या फिर 55,000+ हैं, तो उसको मैं ऐसे 50,000 की कैटेगरी में तो नहीं बुला सकता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे प्राइस कंपैरिजन रेशियो भी देखो तो 5,000-5,000 रुपये ना एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट हो गया है प्राइस, अगर आप 10th जनरेशन और 11th जनरेशन के सेम प्रोसेसर को कंपेयर करके देखो तो। मुझे लगता है कि इसलिए अभी 45,000 तक में आपको i3 ही मिलने वाला है, 55,000 तक में i5 या 60,000 तक में i5 मिलेगा और 70,000 तक में करीब i7 के प्रोसेसर 11th जनरेशन के देखने को लैपटॉप में मिलेंगे। जाकर कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना अगर आप ऐसा कोई कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो 11th जनरेशन वर्सेस 10th जनरेशन, या फिर ऐसा आप कंपैरिजन देखना चाहते हो कि i3 का जो है 11th जनरेशन और i5 के 10th जनरेशन का प्रोसेसर, मतलब i3 वर्सेस i5 और या फिर i5 वर्सेस i7 ऐसे कुछ करके जनरेशन के बीच में कोई कंपैरिजन वीडियोस वगैरह आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताना। और हाँ, अभी थोड़ा और वेट करने की ज़रूरत है ऑलमोस्ट 1-2 महीने, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप ऑलमोस्ट लिनोवो की तरफ से और डेल की तरफ से भी आने वाले हैं। डेल की तरफ से ऑलरेडी कुछ लैपटॉप्स डेल की वेबसाइट में अवेलेबल है 11th जनरेशन के, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइसिंग है उनकी अभी, तो आप ऐसे भी उनको कंसीडर नहीं कर सकते अगर 50,000 के प्राइस पे आप देखते हो। फिलहाल हमें सेल्स का भी इंतजार रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट जो है ना 11th जनरेशन के लैपटॉप वगैरह की वो मेरे चैनल पे मिलती रहे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद लाइक करो, नहीं पसंद है डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्यों नहीं पसंद आए। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करना जिनको कोई भी 50,000 के बजट में कोई लैपटॉप खरीदने की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।